ओके, अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। अच्छा, दिस वीडियो इज़ बीइंग रिकॉर्ड टू हेल्प यू कि आपने आली टू एग्ज़ाम कॉस्ट अकाउंटिंग का ब्लैक बोर्ड पर किस तरह अटैम्प्ट करना है। वट एवर इज़ योर टाइमिंग जो क्लास में इंस्ट्रक्ट की गई है, तो उसको देख कर आप ब्लैक बोर्ड पर आली टू का एग्ज़ाम अटैम्प्ट करेंगे। सो मूविंग टूवर्ड अवर ब्लैक बोर्ड, दैट्स ए बात है। वेन एवर यू कम तो लेक्चर्स में तो हमारा मटेरियल होता है। आई स्ट्रॉन्गली सजेस्ट कि जिन्होंने किसी वजह से ऑनलाइन या हाइब्रिड वाली बात की वजह से या मेकअप क्लास या लेट आने की वजह से कोई क्लास टॉपिक मिस किया है, तो वो जॉब ऑर्डर और प्रोसेस कॉस्टिंग के इन रिकॉर्डेड लेक्चर्स को ज़रूर देख ले, सेल्फ स्टडी वाले। इसमें तो प्रैक्टिस क्वेश्चन है, लेकिन इसमें अगर कोई मिस कर रहा है तो इन मटेरियल्स को देख ले। तो नाउ मूविंग टूवर्ड क्विज एंड असाइनमेंट, जिसमें आली टू का एग्ज़ाम आपको सबसे पहले नज़र आएगा। इस वक्त मैं टीचर हूँ, हिडन फ्रॉम स्टूडेंट। तो ये ट्यूसडे एंड थर्सडे वालों को ये 6 सितंबर को 8:30 बजे अवेलेबल होगा, और यही सैटरडे और संडे वालों को, सही है, सबसे ऊपर उनके पास अवेलेबल होगा। कहाँ पर अवेलेबल होगा? September 4 संडे वाले दिन सुबह 8:30 बजे, ठीक है। सो लेट्स मूव टूवर्ड, जब आप क्लिक का बटन दबाएंगे, ओके, व्हेन यू क्लिक, आपने क्लिक किया तो आपके सामने ये विंडो आ रही है, ठीक है। सेपरेट ऑल सेम क्वेश्चन, द टाइम द मोमेंट यू क्लिक बिगन, आपका क्विज स्टार्ट होगा, आपका टाइम स्टार्ट होगा, ठीक है। 60 मिनट्स व्हेन यू कल, तो ये रिमाइंडर दे रहे होते हैं। तो अब पहला सवाल, अब आपके सामने ये क्वेश्चन बना आ रहा है, ठीक है। एक कंप्लीट स्टेटमेंट पे चेक कर लीजिएगा, टोटल 15 सवाल है, ईजिली मैनेजेबल है। क्वेश्चन नंबर 1 आया है, तो क्वेश्चन नंबर 1 में ये अगर आप देखें, सारी कैलकुलेशंस आपने पूरी करनी है। अच्छा, इन कैलकुलेशन करने के बाद इसमें क्या पूछा है, टोटल कॉस्ट ऑफ जॉब्स, तो ये बॉक्स नज़र आ रहा है। ख्याल रखें, कुछ लोग जो मोबाइल से अटेम्प्ट करेंगे या लैपटॉप से अटेम्प्ट करेंगे, उन्हें ये बॉक्स नज़र नहीं आएगा। तो काइंडली इस बॉक्स को आइडेंटिफाई कर लें कि ये कहाँ पर है, ठीक है। ये चीज़ आपको मालूम होनी चाहिए, ठीक है। तो ये बॉक्स आ गया आपके पास। अच्छा, इसका आंसर दे देंगे, लेट से मैं हाइपोथेटिकली एक नंबर लिखता हूँ, देन मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे गया, ठीक है। सेम वही क्वेश्चन है, लेकिन अब इसकी दूसरी रिक्वायरमेंट है। सेम वही क्वेश्चन है, लेकिन उसकी दूसरी रिक्वायरमेंट है। जो भी रिक्वायरमेंट है वो आप टाइप कर दें, देन तीसरी। अच्छा, सेम वही क्वेश्चन है, लेकिन इसकी कोई और रिक्वायरमेंट है। लेकिन अगर आप कहते हैं नहीं यार, ये अभी कैलकुलेट नहीं किया हुआ, आप आगे बढ़ना चाहते हैं, तो यस, ये क्वेश्चन आपके पास इस तरीके से आ गया और आगे आया। तो देखें, आप अभी क्वेश्चन 5 पर हैं, लेकिन 3 और 4 क्लिक नहीं हुए, ठीक है। तो यहाँ पे भी मैंने अगर टाइप कर देता हूँ कुछ, सही है, फॉर एग्जाम्पल लेट्स है दिस, तो डेट मीन्स मैं आगे बढ़ता हूँ। तो देखें, मैंने 1-2 अटेम्प्ट किया है। अब 6 में क्या आ गया, MCQs। तो एक साथ 5 सवाल जो आएंगे वो एक जैसे होंगे, लेकिन उसकी रिक्वायरमेंट डिफरेंट होगी। लेकिन जब आप सेकेंड अटेम्प्ट करेंगे, तो इस तरीके से ये MCQs है, तो सही है। तो अब ये प्रोसेस का सवाल है, ये प्रोसेस आपके सामने मौजूद है, MCQs वगैरह के लिहाज से 10, ठीक है। तो इसमें कन्वर्जन कॉस्ट पर यूनिट का ऑप्शन कैलकुलेट करके लगाना है, भाई ये डेटा आपके पास मौजूद है, उसको सोच के लगाना है। अच्छा, फिर इसके बाद अगर क्वेश्चन 11 पे जाते हैं, तो ये प्रोसेस कॉस्टिंग का एक और सवाल आ गया, ठीक है। इस पर हमने लेट से लिख दिया, हम इसी तरीके से आगे, वही क्वेश्चन है, लेकिन अब रिक्वायर्ड कुछ और है, ठीक है। 15वें क्वेश्चन पे आए, और मैं सही से सबमिट करूंगा, ये वार्निंग दे रहा, भाई 3, 4, 7, 8, 9 आपने अटेम्प्ट नहीं किया, आपको आपके दोस्तों ने अभी तक जवाब नहीं भेजा, तो सबमिट करना ही नहीं करना, वेट करना उनके आंसर का, या खुद सॉल्व करना है, काइंडली खुद सॉल्व कीजिएगा। ये करने के बाद आप ओके करेंगे, तो आपको नज़र आ रहा होगा कि आपके 10 में से कितने पॉइंट हैं। एक मिनट, अच्छा ये मैं एडजस्ट कर दूंगा कि आपके पॉइंट्स आपके पास सही तरीके से आ जाए। तो 15 ऑब्जेक्टिव्स के अंदर आपके 15, 12.5 मार्क्स होंगे, तो वो एडजस्टमेंट हो जाएगी, ठीक है। तो लेट मी चेक, आई थिंक मैं इसकी मार्किंग देना भूल गया था। ओके, इसमें से कुछ के मार्क्स मैंने सेट नहीं किए थे, 0.5 रखे थे, वो कर देता हूँ। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। अच्छा, एक और चीज़ जो रह गई थी मैं बता देता हूँ, समर जब आप सेकेंड अटेम्प्ट करेंगे, तो इट इज़ नॉट नेसेसरी कि सेम क्वेश्चन आपके पास अपेयर हो, अब क्वेश्चन डिफरेंट होगा, ठीक है। यहाँ पे आप देखें, अब ये वो क्वेश्चन है, लेकिन उसमें वैल्यूज चेंज है, तो पहले वाले के आंसर्स और दूसरे वाले के आंसर्स में ख्याल रखिएगा। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो, आप लास्ट में आके सबमिट करेंगे, टाइम प्रॉपर यूज़ कीजिएगा, प्रॉपर कैलकुलेशंस कीजिएगा, और सेकेंड अटैम्प्ट के बाद आप थर्ड अटैम्प्ट यूज़ नहीं कर सकते, ठीक है। सो बेस्ट ऑफ लक विथ योर एग्जाम्स।